रुद्रा डेयरी फार्म सोसाइटी मिश्रा, जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गली जमुनी में रविवार को रुद्रा डेयरी फार्म संस्था द्वारा भीषण ठंड को देखते हुए विकलांगों, विधवाओं, गरीबों व जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल। रामपुर गली जमुनी में रुद्रा फार्म डेयरी संस्था द्वारा भीषण ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल वितरित का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक दिनेश कुमार मौर्य ने वृक्षारोपण किया और गरीब, असहाय व जरूरतमंदों को सैकड़ों की संख्या में कंबल वितरित किया। वहीं मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि आज रविवार को खिचड़ी के पर्व के मौके पर रामपुर गली में रुद्रा डेयरी फार्म द्वारा खिचड़ी, भोज व कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दिनेश कुमार मौर्य, विशिष्ट अतिथि अनुज मौर्य चेयरमैन, ऋतिक मौर्य चेयरमैन रुद्रा डेयरी फार्म, राजकुमार मौर्य समाज सेवी, दिनेश कुशवाहा, अवनीश सिंह, कुंदन सिंह, प्रहलाद सिंह साहित भारी संख्या में ग्रामवासी व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लखनऊ से संवाददाता अशोक मिश्रा। जी, मेरा नाम ऋतिक मौर्यवंशी रुद्रा है, मैं रुद्रा डेयरी फार्म का चेयरमैन हूँ। रामपुर गांव में आज प्रोग्राम रखा गया है, खिचड़ी के मौके पे क्या बताएंगे? खिचड़ी के मौके पे सबसे पहले तो सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे गार्जियन हैं, बुजुर्ग हैं, सबको पहले खिचड़ी की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ यही है कि रुद्रा डेयरी फार्म का हमारा लखनऊ में रामपुर गली जमुनी में शुभारंभ हो चुका है। यहां पे बहुत जल्द मार्च 2024 में हम लोग शुरुआत करेंगे। और उसके साथ साथ जो लोग प्रदेश नहीं जा पा रहे हैं उनको यहीं पर रह के रोज़गार देने का काम रुद्रा डेयरी फार्म करेगा। क्षेत्रीय लोगों को रोजगार बिल्कुल मिलेगा सर। और आज कम्बल वितरण कार्यक्रम हुआ, इसमें कितने कम्बल बांटे गए? जी, इसमें 100 लोगों की लिस्ट आ चुकी थी, 100 कम्बल सर बांटे गए हैं, जिनको जरूरतमंदों को दिया गया है, जो ठंडी में अपने आप को बचाव इसमें सबसे बड़ी बचाव करें। विधवा और विकलांग सबसे बड़ी प्राथमिकता इसमें विधवा विकलांग जो हमारी माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, सब उनको सबसे पहले दिया गया है जी। और उसके साथ साथ पौधारोपण का भी कार्यक्रम यहाँ पे रुद्रा डेयरी फार्म का आज शुभारंभ उसी से मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जी के द्वारा किया गया है। और कौन लोग आए होंगे? कौन जी, इसमें तमाम किसान साथी भी थे, तमाम इसमें हमारे जो क्षेत्रीय लोग थे, लगभग में जो सम्मानित लोग थे गाँव के, सब लोग यहाँ मौजूद थे, ग्राम प्रधान भी थे। कम्बल वितरण क्या है, क्या प्रोग्राम? देखिए, यहाँ पे जो हमारे लड़के हैं ऋतिक मौर्य रुद्रा, उन्होंने एक जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट का रुद्रा डेयरी फार्म का इन्होंने जो है ज़मीनें ली हैं और यहाँ पर एक जो है उनका नया प्रोजेक्ट जो है चालू होने जा रहा है इस मार्च 2024 में। तो ये था कि लोगों को, यहाँ की जनता को किस तरह से बताया जाए, इसलिए ये हुआ कि जो है मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर यहाँ के जो लोग आवश्यकतामंद जो माताएं हैं, पिता तुल्य जो है गार्जियन हैं, उन सबको जो है एक कंबल के माध्यम से एक सहयोग किया जाए और लोगों को बताया जाए कि नहीं, यहाँ पे एक जो है रुद्रा डेयरी फार्म अच्छे लेवल पे जो है स्टार्ट होने जा रहा है और यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इसके अलावा जो है छोटे छोटे उनके घर में जो भी पशु रहते हैं उनके जो है, मतलब कि दूध तो छोड़िए, गोबर तक को जो है रुद्रा डेयरी फार्म में ख़रीदा जाएगा और उनको भी एक रोज़गार मिलेगा और उनको जो है समृद्धवान बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है जो हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनकी ज़मीनें जो है बेकार पड़ी हुई हैं, उस पर कोई खेती नहीं कर पाते हैं, तो उन्नत किस्म का जो है उनको ज्वार, बाजरा, मक्का के जो है बीज दिए जाएंगे, जिससे वह जो है चरी और इस तरह के हरे चारे को पैदा करके जो है इस डेयरी फार्म को अगर सप्लाई देते हैं तो उससे उनको एक रोज़गार मिलेगा। इस तरह का बहुत बड़ा पहल जो है रुद्रा डेयरी फार्म के माध्यम से यहाँ पे किया जाएगा। ये कब से शुरुआत होगी? मार्च 2024 से इसकी नींव पड़ चुकी है। ज़मीनें जितना गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से ज़रूरी थी उतनी ज़मीनें भी परचेज हो चुकी हैं। इस पर केवल निर्माण कार्य जो है, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा तो चालू हो जाएगा और ये मार्च तक जो है लाइव हो जाएगा। मोहनलालगंज क्षेत्र वालों को क्या संदेश देंगे? इस एरिया के जो है सभी अपने किसान बंधुओं को और अपने भाइयों को संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग भी हैं पशु रखते हैं तो पशु से, यानी डेयरी अगर उद्योग है तो डेयरी उद्योग से संबंधित, अगर वह जो है चाहें तो अच्छे किस्म का जो है
पशु भी रख सकते हैं, यहाँ से ले जाकर भी जो है रख सकते हैं, और दूध अगर उनका कहीं पर भी नहीं सप्लाई हो पा रहा है तो रुद्रा डेयरी फार्म में वह जो है दूध पैदा करके ले आकर दे भी सकते हैं। जो बताया आपने गोबर खरीदने के बाद उसको क्या जी कैसे क्या गोबर जो है खरीद करके उसमें जो धान की मोटी भूसी होती है और गोबर को मिक्स करके जो मशीन जो है बाहर से आ रही है उसमें डाला जाएगा, तो वह मशीन जो है जब बाहर निकालेगी तो वो गोल डंडा के आकार का निकालती है और वह जो है उसकी प्रजनन शक्ति जो है बढ़ जाती है। उससे क्या होगा कि जो भी किसान पशु रखते हैं अगर दूध नहीं देते हैं तो उनको जो है खाना पीना कम कर देते हैं और उसके साथ साथ जो है उनको एक बोझ लगते हैं, लेकिन उनके जो है जो गोबर अगर जो है दूध नहीं पैदा कर रहे हैं गोबर जो है डेली देते हैं, इससे क्या होगा कि जो वर्तमान समय की गवर्नमेंट है जो गौ माता पे बहुत ज़्यादा जो है लोग ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा किसानों को सहयोग करना चाह रहे हैं, उस सहयोग के माध्यम से जो है आज वर्तमान में जंगल कट रहे हैं, लकड़ियाँ कम होती जा रही हैं, इसलिए उस गोबर से जो प्रोडक्ट बनेगा वह जो है जलाने के काम आएगा। खासकर जो है जो हमारे कुम्हार भाई हैं पुरवा पकाते हैं या जो भट्ठा चलाते हैं उसमें यूज हो सकता है, या जो है मुर्दे जलाने के काम में भी लकड़ियाँ अब नहीं मिल पा रही हैं तो वह जो है प्रयोग किया जाएगा। इसमें कितने मजदूरों के क्षेत्र की जरूरत? कम से कम जो है क्षेत्र के 50 मजदूरों को जो है पहले इसमें जो है रोजगार मिलेगा जी। अच्छा थैंक यू। अच्छा जरूरतमंदों को जो है ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण किए गए हैं, लगभग कितने लोगों को किए गए? लगभग 100 लोगों का जो है कोशिश किया गया था, हमारे पास 100 लोगों की लिस्ट थी, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाए होंगे तो अभी हमारे पास पर्याप्त जो है कंबल उनको भी दिया जाएगा। कंबल वितरण के अलावा और कोई कार्यक्रम यहाँ पर आज? बस जो है मतलब मकर संक्रांति था इसलिए जो है हम लोग जो है पूर्वांचल में या इधर जो है पश्चिमांचल में खिचड़ी का प्रोग्राम उसको बोलते हैं, तो जिसमें जो है खिचड़ी को भी बना करके लोगों को प्रसाद के रूप में दिया गया है और इसके अलावा कंबल वितरण किया गया है, ये दो कार्यक्रम हुआ है आज। तो यहाँ पर रोजगार जो है क्या जो ग्रामीणों को 100% मिलेगा आपकी? यहाँ पे ग्रामीणों को 100% रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने का खासकर कारण ये है ग्रामीणों को, क्योंकि जो है उनको कहीं पे परदेश या बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद अपने घर से जो है रह करके खा करके सारी जो है समुचित व्यवस्था